पक्ष और प्रतिपक्ष में उठे विरोध के स्वर के बीच सरकार ने लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी। कार्मिक विभाग ने यूपीएससी के चेयरमैन को चिट्ठी भेज दी। यूपीएससी चेयरमैन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर लेटरल एंट्री का विज्ञापन रद्द करने को कहा है। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को भेजी चिट्ठी में संकेत दिया कि सीधी भर्ती में सरकार आरक्षण का विचार कर रही है। चिट्ठी में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का मत है कि लेटरल एंट्री संविधान में निहित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार हो। चूंकि लेटरल एंट्री में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, इसलिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के परिप्रेक्ष्य में इस पर पुनर्विचार और पुनर्गठन की जरूरत है। साथियों, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के साथ बताया है, दिखाया है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है। आपने देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। ओबीसी कमीशन जो कि एक बहुत ही साधारण सी बॉडी थी उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया। नीट में मेडिकल एडमिशंस में, सैनिक स्कूल्स में, नवोदय विद्यालय में, सब में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स को लगाया।